नमस्कार, आप देख रहे थे इस खबर था एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थ नगर की खबर। सिद्धार्थ नगर जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने जिले के शिक्षा विभाग को हिला कर रख दिया है। इस वायरल वीडियो में एक शिक्षा मित्र द्वारा प्रधानाध्यापक को चप्पल से पीटने का बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग और आम लोगों में यह सवाल दौड़ने लगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद मामले को पूरा जानने के लिए मीडिया द्वारा पूरे मामले की जानकारी भी ली गई। वहीं इस मामले में शिक्षा मित्र द्वारा बताया गया कि आए दिन महिला शिक्षा मित्र के साथ छेड़छाड़ होती रहती थी और इसका विरोध करने पर गालियों, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था और नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती रही। वहीं महिला शिक्षा मित्र ने वायरल वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उस दिन का मामला यह था कि सुबह 9 बजे आने के बाद उन्हें रजिस्टर लेकर बुलाया गया और जब महिला रजिस्टर लेकर अंदर गई तो उसका हाथ पकड़ लिया गया और प्रधानाध्यापक ने कहा, तुम्हें रजिस्टर में साइन नहीं करने दूंगा। महिला द्वारा पूछा गया क्यों, तो प्रधानाध्यापक द्वारा कहा कि नहीं करने दूंगा, तुम कुछ मानती नहीं हो, कोई बात ऐसा बोलकर महिला द्वारा रजिस्टर छीनने की कोशिश की तो प्रधानाध्यापक द्वारा रजिस्टर फेंक कर गाली देते हुए बाहर निकल गए। फिर महिला द्वारा गाली सुनने के बाद महिला ने प्रधानाध्यापक को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले की शिकायत के बारे में महिला ने बताया कि इसकी बीएससी शिक्षा मंत्री से की है। वहीं इस मामले में बीएससी द्वारा कहा गया कि मामले में खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया और जांच रिपोर्ट आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षा विभाग में ऐसे मामलों के बारे में कहा कि शिक्षा क्या किसी भी विभाग में ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वैसी शिक्षा मंत्री के गृह जनपद व विधानसभा में शिक्षा विभाग का यह हाल है तो पूरे प्रदेश में क्या होगा। सर, उन्होंने ऐसे ही अक्सर मौका देख कर जो है छेड़खानी करने का प्रयास करते रहते हैं मेरे साथ, और जब भी उन्हें मैं बोलती हूँ, डांटती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो वो जाति का जो है भेदभाव करके और जो है अपमानित करते हैं, गाली गलौज देते हैं और विद्यालय में से मुझे जो है हटाने का धमकी देते हैं। बोलते हैं तुम्हें जो है विद्यालय में नौकरी नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं, ऐसे ऐसे सारी बातें करते हैं वो। क्या मामला था कि उस दिन आपको मार्ट को पीटना पड़ा? मामला ये था कि जो सुबह के समय 9 बजे में स्कूल गई, फिर उन्होंने रजिस्टर लेकर आने को अंदर बोला, फिर हमने रजिस्टर लेकर अंदर गया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोला कि जो है रजिस्टर में साइन नहीं करने दूंगा। मैं बोली क्यों, कहे कि नहीं नहीं करने दूंगा और तुम जो है कुछ मानती नहीं हो, कोई बात, ऐसे बोल के फिर हमने जो है रजिस्टर छीनने की कोशिश की, उन्होंने रजिस्टर फेंक के फिर बाहर हमको गाली देते हुए निकल आए। फिर गाली जब मैंने सुना फिर उनको पीटना शुरू कर दिया। कौन है अध्यापक? प्रधान अध्यापक मनोज कुमार यादव। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? हाँ, बीएससी को हमने दिया एप्लीकेशन और जो पुलिस भी कंप्लेन की, पुलिस भी आई, मौके पे पहुंची। हाँ, शिक्षा मंत्री को भी दिया सूचना, सभी को दिया मैंने। हाँ, कार्रवाई का जो है आदेश दे दिए हैं, होगी कार्रवाई। तो विषय में अपने जांच बता दिया है और कल शिक्षा अधिकारी जांच करके आज चंदू रिपोर्ट करते हैं, उसके उपरांत में जो भी कार्रवाई करते हैं। शिक्षा विभाग का जो वीडियो जारी हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं क्या शिक्षा विभाग में शोभनीय है? शिक्षा विभाग में न कहीं भी। सर, वीडियो आपने देखा, वायरल की नहीं देखा? मैंने उसको कार्रवाई के लिए सूचित भी कर दिया, कार्रवाई जांच भी हो रही है और जांच की रिपोर्ट आने आज तक आ जाएगी उसकी कार्रवाई।